संभल पुलिस दो अपराधियों को अभी तक नहीं कर सकी गिरफ्तार। संभल के थाना रजपुरा क्षेत्र मलिकपुर में अपराधियों का अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीड़ित की माने तो मोहन लाल पुत्र जयराम के घर पर दबंगों ने हमला कर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। यह तस्वीर में साफ तौर से पेट्रोल से आग लगाते हुए देखा जा सकता है। रजनीश यादव सर्वेश यादव ने पीड़ित पर हमला करके पीड़ित का सर फोड़ दिया, उसके ऊपर तमंचा से जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया था। इस संबंध में पीड़ित के भाई नरेश व पत्नी कृष्णा देवी द्वारा थाना रजपुरा में प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा पंजीकरण कराया जा चुका है। इस मुकदमे में वांछित चल रहे केवल एक ही आरोपी को जेल भेजा गया है, वह भी ग्रामवासियों द्वारा पुलिस को सुपुर्द किया गया था। उनके परिजनों ने उच्च अधिकारियों से प्रार्थना पत्र देकर यह न्याय की गुहार लगाई है कि संबंध में शेष बचे आरोपियों से उनकी जान के लिए खतरा बना हुआ है, इसलिए जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करने की मांग की है। आपको? मेरा नाम पप्पू। कौन से गांव से? ग्राम भरतपुर। क्या मामला है इनका, कैसा झगड़ा हुआ था? क्या झगड़ा हुआ था? ट्रैक्टर आया था, उसमें झगड़ा होने के बाद मारपीट हुई थी। मारपीट होने के बाद वो लोग दबंगी दिखा रहे, घर पर आग भी लगाई थी। आग लगाने के बाद उसमें फिर वो जबरदस्ती कर रहा है तो फैसला करो, तो गिरफ्तार भी हो गया, गाँव वाले पकड़ भी दे दिया। वाके बाद दो मिल जो रात नहीं आए पूरे, पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उनके ऊपर जेल भेजना चाहिए। और क्या कह रही है पुलिस का? पुलिस का कार्रवाई तो कर रही है, फिर जेल जब एक अंदर कर भेज दिया तो दोनों उन्होंने उठाने चाहिए। तो क्या चाहते हो आप? यह क्या गिरफ्तार करके उन्हें अंदर कर रही है। आपने DM साहब को एप्लीकेशन दी थी, किस लिए दी थी? मतलब हमारा कार्रवाई जो दो मुलजिम रह गए अभी, बाकी जो मुलजिम रह गए वो अभी तक नहीं पकड़े गए, और वो हमें आके घोंस लगाते हैं कि या तो फैसला कर लो नहीं तो मैं जान से मार दूंगा। कौन लोग हैं वो? W है, एक वो है सर्विस है, तो पुलिस वाला है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस वालों को हमने जिलाधिकारी को दे दिया, ठीक है। हाँ, और पुलिस अधिकारी को दे दिया। अब पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, अभी वो लोग पकड़े नहीं जा रहे। तो किस मामले में थे वो? उन लोगों ने मुझे मारा पीटा था जी, और एक उनके साथी ने वो घर में आग लगाई थी, पेट्रोल डाल के मुझे मारा था। तो गिरफ्तारी हो गई उसकी? एक जो गांव वालों ने पकड़ के दे दिया। हाँ, वो जेल चला गया। हाँ, बाकी जो लोग रह गए वो धमकी लगाते हैं मुझे। कौन कौन है? सर्वेश है, W है, काला है। क्या कहते हैं? कहते हैं या तो फैसला कर लो नहीं तो मैं जान से मार देंगे। अब क्या चाहते? अब मैं ये चाहता हूँ सर, वो पकड़ जाएँ तो सही है, तो मेरा डर खत्म हो जाएगा। एक गाड़ी बाइक में बाइक का पहिया तोड़ दिया टक्कर मार के। आपको? मेरा नाम प्रमोद कुमार। कौन से गांव से? मलिकपुर। क्या मामला है इनका? मामला ये ट्रैक्टर के बाद में हुई थी लड़ाई, ट्रैक्टर पे चलाना और ये गाने गाने किसी को चलाना उस चक्कर में, और लड़ाई हो गई। उसके बाद में मतलब उसमें वो आया था दूसरे दिन के लिए, उसने आग फाग लगाई थी हर तीसरे दिन, फिर मार पिटाई हुई थी। और अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इसमें? एक व्यक्ति के लिए तो पकड़ कर ले गई है, जो कि गांव वाले ने पकड़ा। अब क्यों आए थे DM करा लेकर? आपने 31 तारीख को प्रार्थना पत्र दिया था, क्यों दिया, क्यों कार्रवाई क्यों ना हुई? जो ये अभी तीन लोग और हैं पकड़ने के लिए, ये पकड़े नहीं हैं और आके घर आके धमकी देते हैं। अब क्या चाहते हो? ये जल्द से जल्दी जल्दी उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये पकड़े जाएं।